मैडम है की कर रहे हो? मैं खा रही हूँ। की खा रहे जी? मैं हूँ निकली हूँ रेस्टर तो नासिटर तो अधी रात का टाइम हूँ घर मेरे अब्बे ने पकौन बना के देनी रोटी छोटी। खा की रहे जी? मैं खा रही हूँ इस टाइम ना इचरे दे कोल ना रेड़ी वाला है और ओदे को साग और पराठा। मैं कह ये भी चीजा खा के देखनी चाहिए ने हर जिंदगी दा हर टेस्ट। ओ मोटे हो जोगे हो जे तने की टेंशन है अड्डा मने स्मार्ट हो के मैं किथे जाना है। लेकिन जनाब की मजा आ रहा है इचरे दे बिल्कुल ही सामने बाबा जी खड़े हुए ने उन्होंने लगाया रेड़ी ते लेकिन साग बहुत टेस्टी। लो अब भाई लो जी आओ और ना साग खाओ बहुत टेस्टी साग है मेनू तो मजा आ गया। अच्छा इस तरह लग रहा मम्मी के हाथ का स्वाद है। मैं सुची मुची कह रही इचरे दे कोल आओ और इस टाइम वो ना साग ते पराठा बना के बनाते हैं। बड़ी वड्डी दुकानों से भी चाहिदा बड़े बड़े होटलों से भी चाहिदा लेकिन यह टेस्ट भी करना चाहिदा बहुत मज़ेदार है। जारी गल लाहौर के फैन भी तो हो गए ना वो आन जरूर और खा के जा। मैं तुम्हें मुलमानी हूँ उस बंदे दे नाल ना पहली दफा और तारीफ करांगी जो मतलब कोई अच्छा खाना या अच्छी अच्छा टेस्ट हो ना। और देख रहे हो मेरे ख्याल से वो लग्या है बुला के और तारीफ करनी चाहिए करनी है। वो जी तेरा साग खाया तो मज़ा आया। मैं तो 15 दिन तो जा रही हूँ तेरा साग देख रही हूँ और आज मजबूरन मैं खड़ा होना पै गया खाने लिए। साग का टेस्ट बहुत अच्छा है और अल्लाह पाक इस जगह तो तुम बड़ी जगह तो लेके जाएगा। जेन्युइन टेस्ट अच्छा है और मैं खा के मजा आया। इसमें लाल मिर्चें ज्यादा से भी नहीं डालते। अच्छा लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डालते। आप मेरे फैनों को बताएं ताकि ये मैंने यूट्यूब पे चलाना है वो यहाँ पे आए। मैंने स्पेशली बताया है कि इचरे के सामने बिल्कुल इचरा बाजार के बिल्कुल सामने आप लोगों ने आना है इनका साग टेस्ट करना बड़े मजे का और पराठा बड़े मजे का। माशाल्लाह बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं जी। मैं जो खड़ी हो गई है तो फिर लोगों ने क्यों नहीं आना। शुक्रिया लेकिन बहुत मजा आया तारा खा के ना साग। थैंक यू शुक्रिया ओके जी।